मैडम इस देश में दो कानून है जी, एक कानून विपक्ष के लिए और एक कानून इस देश के सरकार के लिए, क्योंकि जब यहां पर हमने मुद्दे उठाए थे, करप्शन के मुद्दे उठाए थे, उस वक्त शिवराज सिंह के विरुद्ध में चीफ मिनिस्टर जो थे, व्यापम का घोटाला हो और शिवराज जी की गवर्नमेंट के खिलाफ हम उठाए थे, आज तक उनका नाम FIR में आया है, अब तक कोई एक्शन नहीं है। मगर वो व्यापम घोटाला कहूँ और वसुंधरा सिंधे जी के खिलाफ आया था, वो उठाए लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। रमन जी के खिलाफ किसी का भी यहाँ पर मतलो, आप घोटाले का नाम लो सब कहा था, किसी का भी नाम। ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में कैसे दो अलग अलग कानून है, एक रूलिंग पार्टी के लिए, एक उनके लिए, और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता है शंकर सिंह वाघेला के घर पर रेड होता है, यहाँ पर शिवराज सिंह घोटाला करते हैं उनके घर पे, या उनको आज तक इंक्वायरी नहीं की गई। उसी ढंग से आप हिमाचल प्रदेश में, वहां पर शादी हो रही है, शादी चल रही है, डोली जा रही है, उस वक्त CBI का रेड होता है, कुछ भी नहीं मिला तो फिर उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाके डिस्प्रोसमेंट के लिए उनको फंसा देती है, उनके लिए कानून अलग है। फिर उसके बाद राजस्थान में गहलोत के खिलाफ, पायलट के खिलाफ, इनके खिलाफ केसेस आप दर्ज करते हैं, आपके लोग, आपके मुख्यमंत्री घोटाला करते हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं है।